Please subscribe and press the bell icon to never miss any update from my channel. टॉपिक जो है वो बहुत ही बोरिंग है. आई नो कि हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, पर हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट, सो मैंने ये देखा कि बहुत कुछ है जो कि मिसिंग है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ओल्डर एंड मोर लाइक वायरल यूट्यूबर्स, मैं बोल रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग लाइक मिस कर चुके हैं. आपको एक वीडियो में शायद वो नहीं मिलेंगे. तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें ही मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगी किस तरह से आपको फाउंडेशन बाय करना पड़ता है, किस तरह से आप जानेंगे कि आपका जो फाउंडेशन है, जो करेक्ट शेड है, वो आपका करेक्ट है, कैसे आप वो बाय करोगे. क्योंकि नॉर्मली हम लोग फाउंडेशन जो है वो करेक्ट बाय नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैंने कुछ साल पहले व्हेन आई वाज नॉट इनटू मेकअप, सो मैंने यहाँ पे एक फाउंडेशन खरीदा था जो कि मेरा पड़ा हुआ है, अभी भी मैंने यूज़ नहीं किया. 9 to 5 का फाउंडेशन है, फ्लॉलेस फाउंडेशन, और इसका प्राइस कुछ बहुत कुछ कम नहीं है. आई वॉज लाइक आई बॉट दिस विथ लाइक 500 bucks मैंने इसके पीछे खर्च किए. लेकिन इफ यू सी द शेड, मैं बताना चाहती हूँ कि ये शेड है, एंड सी माई स्किन कलर और मेरा शेड. सी, अगर ये मेरे चेहरे पे जाएगा तो इट विल लुक केकी. सो मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कैसे आप ये सारी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, और आपके स्किन के हिसाब से आप कैसे बाय कर सकते हैं. तो मैं वन बाई वन एक एक पॉइंट चाहूँगी. फर्स्ट पॉइंट है, मेरे जो करंट फेवरेट दो अभी फाउंडेशन है, आपने दूसरे वीडियोस में देखा होगा. फर्स्ट है मेरा मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, सेकंड इज वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन, ये है डिजर्ट बेज और ये है सन बेज. तो जब भी मैं फाउंडेशन खरीदने जाती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ. आपके स्किन से एक शेड लाइटर ही आप खरीदें, ज़्यादा लाइटर नहीं ले लें तो वो केकी हो जाता है. तो आपको फाउंडेशन को जब आप टेस्ट करें, कोई फाउंडेशन आपके स्किन के साथ जा रहा है या नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का स्किन एंड टोन दोनों ही अलग होता है. सो हमें क्या करना है, फाउंडेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है लाइक दिस. यहाँ पर अप्लाई करके आप इसको नीचे तक लेके जाइए एंड इट विल ब्लेंड इन योर स्किन. जब भी ये आपके स्किन के साथ ब्लेंड करेगा, इसका मतलब है द फाउंडेशन इज अ गुड मैच फॉर यू. सेकेंड है हमारा फाउंडेशन जो है वो बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा फाउंडेशन जो है वो काला क्यों हो जाता है, यानी कि आपका स्किन जो है वो फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है. आप जब भी लगा रहे हैं वो फाउंडेशन जो है वो ऑयल सेक्रेट करता है, मतलब ऑयल छोड़ता है, तो उस हिसाब से आपका जो फाउंडेशन आपने लगाया है उसका कलर चेंज हो जाता है. तो आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो एकदम फॉलो करने हैं, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज ना हो. कुछ भी आपके स्किन में लगाने से पहले आपके स्किन को जो है हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. तो उसके लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है फेस वॉश. तो फेस को वॉश करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सो करेंटली आई एम यूजिंग हिमालयाज फेस वॉश. उसके बाद है बायोटिक, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. रिसेंटली आई हैव बॉट न्यूट्रीग्लो का फेस वॉश. तो सो क्लेंजर के बाद आपको यूज करना है टोनर. टोनर से क्या होता है कि आपके पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ओपन पोर्स में अगर आप फाउंडेशन को टैप करोगे तो आपके स्किन को वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो आपके स्किन के अंदर जो है डर्ट के साथ फाउंडेशन भी पुश करता है. तो ये आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अगला स्टेप आती है मॉइस्चराइजिंग की. सो अगर आपका स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, नॉन ऑयली है, तो कैसे आप मॉइस्चराइज करें. मॉइस्चराइजेशन के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. अभी मैं जो यूज़ करती हूँ वो है लोटस का वाइट क्लो.
लोटस का वाइट लुक भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कम ऑयल पीसेस का है, तो मेरा ऑयल जो है वो ताकि ज़्यादा सैक्रेट ना हो। सो मैं थोड़ा नॉन कम मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करती हूँ यही यूज़ करती हूँ। तो आप इसके साथ और भी अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं। समर में मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल आप पतंजलि का भी यूज़ कर सकते हैं, आप नीचेस का भी यूज़ करते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। से बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरा स्किन ड्राई है तो मैं अपने फाउंडेशन को जब भी लगाती हूँ तो वो केकी हो जाता है या फिर क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, तो वो कैसे आप दूर कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। लेकिन बहुत लोगों के साथ जो कि मैं जब मैं काम करती हूँ बहुत लोगों के साथ, तो उनका ड्राई स्किन होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ फेशियल ऑयल। ये नायका का फेशियल ऑयल है, आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है एवरीवेयर। सो ये फेशियल ऑयल मैं यूज़ करती हूँ बिफोर अप्लाइंग द फाउंडेशन, क्यों ये जो है वो आपके फाउंडेशन को आपके स्किन के साथ ब्लेंड होने में मदद करता है। जिनका भी ड्राई स्किन है वो अगर फेशियल ऑयल को यूज़ करे बिफोर फाउंडेशन तो आपके स्किन में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। और इसके बाद स्टेप आता है प्राइमर का। प्राइमर एक सिलिकॉन बेस होता है, प्राइमर का सिलिकॉन बेस क्रीम बोल सकते हैं। तो डेली यूज़ आप प्राइमर ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं हैवी मेकअप के लिए आप ज़रूर प्राइमर यूज़ करें। तो प्राइमर अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, जैसा मैं कभी कभी प्राइमर अवॉइड करती हूँ कुछ कुछ फंक्शंस में, तो मैं क्या करती हूँ एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन एलोवेरा जेल आपके स्किन को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपके मेकअप को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखता है, लेकिन एज अ प्राइमर इट इज़ ग्रेट 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 प्रोडक्ट टू बी यूज। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं अपने लाइक मेकअप को, पोर्स लगी ताकि जब आप मेकअप करें आपके पोर्स जो है वो ओपन है, अगर वो ना दिखे, तो यू कैन यूज़ लाइक वेरी अफोर्डेबल प्राइमर विच आई एम करेंटली यूजिंग, दैट इज स्विस ब्यूटीज। स्विस ब्यूटी का प्राइमर ये बहुत अच्छा प्राइमर है। सो फेस को हमने क्लेंस टोन मॉइस्चराइज कर लिया, हमने ये जान लिया किस तरह से हमें फाउंडेशन को करेक्टली चूज करना है, और अभी हम देख लेंगे फाउंडेशन को किस तरह से अप्लाई करना है। सो फर्स्ट थिंग जो है मैंने क्लेंजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग अपने चेहरे को कर लिया है। सो सेकेंड जो है आपको लेना है एक ब्यूटी ब्लेंडर। सो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ले रही हूँ। सो ब्यूटी ब्लेंडर को सबसे पहले पानी में आपको डिप करना है लाइक दिस। सो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर पानी चला गया है, एंड इसको अच्छी तरह से आपको स्क्वीज करना है। अगर पानी रह जाएगा तो आपका फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है। सो आज मैं एक साइड में अपना फाउंडेशन लगाऊंगी और एक साइड में फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी आपको डिफरेंस बताने के लिए। हमेशा फाउंडेशन जो है वो आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से आपके फाउंडेशन जो आपके चेहरे में बहुत अच्छा ब्लेंड करता है। तो मैं आज ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी हूँ। तो मैं आज यूज़ करूँगी बेटर वाइल्ड का फाउंडेशन। सो मैं एक साइड में लगाऊंगी तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा ले लूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ऑलवेज उसको हाथों से आप लगा लें, आपको जहाँ जहाँ लगाना है इससे अच्छे से आपका ब्लेंड होगा। सो फाउंडेशन के मैंने डॉट्स लगा लिए हैं, अब मुझे करना है इसे ब्लेंड। सो ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडर को ऑलवेज अपने स्किन में टैप करिए, टैप करिए इस तरह से, कभी भी इसको घसना नहीं है, हमें हमें ऐसे टैप करते रहना है। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरफ मैंने
फाउंडेशन नहीं लगाया है और इस तरह मैंने फाउंडेशन लगाया है जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच कर गया है। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाए, डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक, ये एरिया आप बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें टू कवर। और यहाँ पे भी आपको डॉट्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है, एक साइड पर एक साइड पर नहीं लगाया है, तो आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए कि देखिए मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मेरी जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर दिया है। सो फाउंडेशन लगाने के बाद भी और प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कंसीलर अप्लाई करना, ताकि जो हमारे अंडर आइज हैं वो और ये लिप्स के पास जो एरिया है ये हम लोग कंसील कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे स्टेप्स की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ये हमारा, अगर हमारा बेस ही ठीक ना हो तो पूरे जो लेयर्स हैं हमारे स्किन के ऊपर पड़ते हैं, तो उसके लिए हमारा स्किन प्रिपेयर नहीं होता है। तो उसके लिए हमें हमारा जो बेस है उसको बहुत अच्छे बनाना पड़ता है। तो देखिए मेरा बेस अभी रेडी है, तो मैं अभी पूरा जो है मेरा फेस को मैं पूरा कवर कर लूँगी, लेकिन उससे पहले एक बार पास से आप लोग को दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस से मैं इस तरफ लगा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरह से मेरी स्किन पे टैप कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। सो फाउंडेशन को याद रखिए, याद से आपको इस तरह से टैप करना है। सो आप देख सकते हैं फाउंडेशन जो है मेरे स्किन में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। सो यू कैन सी माई फेस बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, ज़्यादा केकी नहीं लग रहा है, कहीं से भी लाइन्स वगैरह पोर्स वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करें तो फिर ज़रूर आपका फाउंडेशन जो है वो स्टे करेगा। तो जब आपका फाउंडेशन लगाना हो जाए तो उसको सील करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे लाइक विद द फाउंडेशन ओनली मेरी जो अंडर आइज सब कुछ कवर हो गया है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जस्ट मुझे लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक बहुत अच्छा पाउडर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंप्रेस पाउडर। तो ये जो शेड है ये है वॉर्म बेज। सो मैं इसे लूँगी और जस्ट अगर अप्लाई, मैंने अप्लाई कर लिया है एंड यू कैन सी मेरा लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। एंड जस्ट बिट ऑफ लिपस्टिक आई थिंक एंड या आई एम रेडी टू गो फॉर अ मूवी। सो आप देख ही सकते हैं, तो ये अगर स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने हैं जो जो मैंने बताए हैं, तो फिर आपको ये गुड रिजल्ट मिलेगा। तो शादी का सीज़न है तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो शेयर करूँ, ताकि जो लोग शादी में जाने वाले हैं जिनको मेकअप करवाना है पार्लर से या फिर मेकअप आर्टिस्ट से, उनको छोड़ के जो खुद अपना मेकअप करना पसंद करते हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है बिना किसी देरी से गिव इट अ लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो कैसा लगा है एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नए वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ। टिल देन जैसे कि मैं बोलती हूँ, बी हैप्पी स्टे हैप्पी, इट्स मी बॉन्ग साइनिंग।